सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ द्वारा संविदा कर्मचारी एवं अधिकारी की संविलियन को लेकर सौंपा ज्ञापन कटनी जिले में इस समय ज्ञापनों का दौर जारी है। विगत 25 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी वर्ग जिला शिक्षा केंद्र विकास खंड स्तर पर वार्डन के रूप में काम कर रहे इंजीनियर अकाउंटेंट MRC JMIS एवं सहायक वार्डन के कर्मचारियों की संविलियन को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था एवं पत्र भी जारी किया था कि संविदा वर्ग को सिविलियन कर देंगे, मगर 2018 से लेकर अभी तक कोई भी कर्मचारी संविलियन नहीं हुआ, जिसके विरोध में आज मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत राज्य जिला और विकास खंड स्तर पर वर्ष 1995 से वर्तमान शिक्षा अभियान में लगातार 26 वर्षों से विभिन्न पदों में संविदा में कार्यरत संविदा कर्मचारी एवं वर्ष 2012-13 में व्यापम द्वारा चयनित तत्पश्चात नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारी व अधिकारियों को सम्मिलित कराने के लिए सर्व शिक्षा कर्मचारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा। वाइट अनिल त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला सर्व शिक्षा अभियान। दरअसल अपन लोग सब सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी हैं, जो विगत 25 वर्षों से लगभग राज्य शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र, विकास खंड स्तर पर या सब वार्डन के रूप में अपन लोग सब काम कर रहे हैं। ये जिसमें से अपने APC हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, MRC हैं और MIS हैं, सहायक वार्डन, ये सभी लोग संविदा में कार्यरत हैं। इनको कार्य करते हुए हम सबको 25 वर्ष के लगभग हो गया, लेकिन अभी तक कोई वो निदान नहीं हुआ है हम लोगों के लिए। बार बार अपन लोग कर रहे हैं और जिसमें से पिछले गत वर्ष में 5 जून 2018 में मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया था और एक पत्र जारी किया था कि हम लोग सब संविदा को हम लोग संविलियन कर देंगे, लेकिन 2018 से लेकर के अभी तक कोई भी उसमें क्रियान्वयन नहीं किया गया है और हम सब अभी कार्य संविदा पर ही कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग ध्यान आकर्षण कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय जी की ओर महोदय का विधायक महोदय जी से आग्रह करने आए हैं कि थोड़ा कृपया ध्यान आकर्षित करा करके हम सबको उनकी ओर सम्मिलित कराने का कष्ट करें। मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमारा वरिष्ठ कार्यालय, वरिष्ठ संघ जो है वो क्या करेंगे इसके बारे में। अभी अगला प्रोग्राम हमारा है, पहला चरण में हम लोगों ने अपना जो निर्देश हुआ था प्रांतीय अध्यक्ष का, उसमें अपन लोगों ने पहला प्रोग्राम बनाया था जिसमें से अपन DPC के माध्यम से आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को और कलेक्टर के माध्यम से अपन जो PS को दिया था, ज्ञापन दिया था ध्यान आकर्षण के लिए। द्वितीय चरण में अपना प्रोग्राम है जो विधायक महोदय के द्वारा ऑलरेडी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी।